So how we do we going to measure the time between the longitudes? So it was 4 minutes. There is a 4 minute gap of between each longitude, right? So what people used to do in the past? People used to do in the past. They used to observe the changing of season by the phases of the moon. जैसे जैसे अगर जैसे ना आप देखते हो अमावस्या के बाद जो है पूर्णिमा के पूर्णिमा वाले दिन जो है चांद पूरा होता है, उसके बाद चांद कम होना स्टार्ट हो जाता है. तो इन द सेम वे दे यूज टू मेजर द सीजन, दे यूज टू ऑब्जर्व द सीजन फ्रॉम दैट ओनली. दे यूज टू टेक केयर ऑफ द सीजन लाइक नाउ आफ्टर दिस क्रीसेंट शेप ऑफ द मून दिस सीजन विल कम. एट दिस पॉइंट व्हाट सीजन विल कम, व्हाट काइंड ऑफ समर वी आर गोइंग टू हैव, व्हाट इफ इट विल बी द स्प्रिंग सीजन और द ऑटम सीजन और द winter season on the monsoon season, right? So they used to recognize the season from the phases of the moon, from the shape of the moon, what shape they are having. theek hai, so aur kya log karte the prime time mein? Local time can be calculated. How they used to calculate the time? They used to calculate the time by the shadow of an object cast by the sun. Wo ek din ka time kaise note karte the? Shadow ke basis pe. I have told you on that particular day ki jo sun jo hai wo kaise aata hai. ठीक है, इफ यू आर लिविंग इन दिस इक्वेटोरियल रीजन, जो अगर आपके सन आपके बिल्कुल सामने है, देन इट इज योर मॉर्निंग पीरियड. आफ्टर 12 जो होगा, जो सन होगा, इट विल बी राइज बाय दिस पोर्शन. ठीक है, उसके बाद जब सन जो आपका जो नाइट का पोर्शन आएगा, जब इवनिंग टाइम आएगा, तो सन विल बी एट योर बैक. तो दिस इज हाउ द सन मूव्स. आपको कैसे पता चलेगा कि 12 बजे से पहले अगर आपका सन नीचे है तो इतनी सामने है आपके फेस के बिल्कुल सामने, देन इट इज योर मॉर्निंग. आपके सर के ऊपर है, देन इट विल बी योर आफ्टरनून. ठीक है, एंड अगर आपके जो सर के पीछे जा रहा है सन, आपके बिल्कुल बैक साइड पे जा रहा है, दैट इज योर इवनिंग टाइम. ठीक है, सो दिस इज हाउ पीपल यूज टू रिकॉग्नाइज द सनराइज एंड सनसेट. ठीक है, एंड द प्राइम मेरिडियन हैज सन ओवरहेड ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल एक्सपीरियंस मिड और नून. वही जो मैंने बोला, आपके सर के ऊपर जब सन आएगा तो इट विल बी योर मिड डे और योर नून. ठीक है, so what it says ki earth completes its one rotation of 360 degree in 24 hours, right? so 24 hours mein kya hota hai, 24 hours mein wo apne ek rotation ko complete karti hai. it rotates 15 degree in 1 hour. so matlab wo ek hour mein kitna degree rotate karti hai? 15 degree. theek hai, so 15 degree wo rotate karti hai in 1 hour. underline degree वो कितने में टाइम मूव करती है? इट मूव 1 hour in 1 hour. ठीक है, 15 degree वो मूव करती है और 1 degree in 1 hour और in 4 minutes. ठीक है, सो इतने टाइम में वो जो है अपना एक जो है 15 degree का रोटेशन लेती है. ठीक है, सो अर्थ रोटेट करती है कैसे? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ को. सो अर्थ रोटेट कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और जितना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, हर एक रोटेशन के साथ वो 15 डिग्री आगे मूव करती है. ठीक है, सो जो है वो 1 hour लेती है 15 डिग्री को कंप्लीट करने में. ठीक है, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन अर्लियर और अहेड इन टाइम. सो दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड ऑन आई गेस ऑन ट्यूजडे. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, कि जो आपकी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है? जब वो रोटेट करती है तो वो ईस्ट की तरफ जाती है. जो वेस्ट से अगर वो ईस्ट की तरफ जाती है, आपका टाइम जो अर्लियर आएगा. तो इसका मतलब जो सन जो है, अगर आपका घर जो है, अगर आपकी जो कंट्री है वो ईस्ट में है, तो सन जो राइज है सबसे पहले ईस्ट में होगा, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए टाइम जो है डिक्रीज होगा, वो आपसे पीछे चलेंगे. ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो सनराइज है फर्स्ट पहले होगा. जैसे लाइक इफ समवन इज लिविंग इन कनाडा, माय ब्रदर इज लिविंग इन कनाडा, तो हमारे यहाँ पे थर्सडे पहले आता है. उसके यहाँ जब यहाँ पे थर्सडे होता है तो वहाँ पे क्या चल रहा होता है? वेंसडे चल रहा होता है. ठीक है, सो व्हेन थर्सडे इज गोइंग ऑन हियर, देयर इज वेंसडे गोइंग ऑन. बिकॉज व्हाई? बिकॉज दैट नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द वेस्ट साइड एंड इंडिया लाइज ऑन द ईस्ट साइड. ओके, सो दैट्स व्हाई ईस्टर्न पीपल ऑफ इंडिया वेयर वी लिव इन ईस्टर्न साइड, वी हैव sunrises and night earlier than the people who are living in west portion. okay, so ab jo hai maine aapko us din bataya tha ki hum logon ko kya hai ki agar hum west se east ki taraf
तरफ तो मूव करेंगे देन वी हैव टू ऐड द टाइमिंग, हमें जो टाइम को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सो वी नीड टू ऐड और सबट्रैक्ट आवर्स बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द लोकेशन. वही जो मैंने बोला था कि अगर आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जाना है देन यू हैव टू ऐड द टाइमिंग. आपको अगर आपको पता है 15-15 डिग्री का एक रोटेशन है तो मतलब अगर आप कितने से डिग्री लेट है तो आपको उतने टाइम जो है उसमें ऐड करना है, ठीक है. ऑन द सेम वे अगर आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है देन यू हैव टू माइनस द यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टाइमिंग्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. ओके, सो that is why it is said that the sun rises in east and sets in the west. exactly. to east se sun jo rise hota hai west mein wo jo jahan ke wo sun set hota hai to exactly west mein sun set nahi ho raha hota hai, wo yahan se sun set hota hai west mein to par west mein jaake wo sun rise hota hai, theek hai. main aapko I'll show you. see this is earth, this is sun, ठीक है. यहाँ पे आपका sun है rise हो गया, ठीक है. यहाँ पे sun आपका rise हो गया, ठीक है. यहाँ पे आपके west में जाके जब वो sun आएगा तो west के लोगों के लिए तो वो sun क्या होगा, sun rise होगा ना यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे east में जो sun जब उनके face के सामने तो it was India के सामने था तो it was sun rise. same वैसे ही India के लिए sun set हो गया है, India के लिए रात हो गई है, but जो Canada है वहाँ पे जो है sun क्या है rise हो गया है. how? because यहाँ पे जो है उनका face है, they have a face side of the sun, so that is why वहाँ पे जो है sun rise हो गया है, ठीक है. so 24 hour period of a day is divided into two time periods, minus 12 hours before noon and 12 hours after noon. so it is, ठीक है, 12 रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक क्या, इट इज योर AM, ठीक है. दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 तक इट्स योर PM, ठीक है. so that is how your things are being divided, ठीक है. hours before noon are known as the anti meridian, AM. जो noon से पहले वाला time बोलते हैं उसको बोलते हैं anti meridian, underline. ठीक है, which is the Latin and means before noon, ठीक है. the hours after noon are known as post meridian. को क्या बोलते हैं हम, post meridian, that is your PM. ठीक है, तो उसका मतलब है पोस्ट नून. सो व्हेन इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग देन इट इज 7 AM. अगर वो 5 o'clock इवनिंग है दैट इट विल बी योर 5 PM. ओके, सो दिस इज हाउ योर टाइमिंग्स कैलकुलेटेड. ओके, सो फाइंडिंग आउट द लोकल टाइम्स. अब लोकल टाइम हम कैसे, अगर आपने कभी आई हैव आस्क्ड यू टू डू वन थिंग, आई आस्क्ड यू कि आप अपने फोन पे जो है टाइम सेट करना, ठीक है. so if you when you start setting the time to aapko wahan pe aayega ki gmt kolkata gmt delhi lena hai wo kya hai. so this is what we are going to study right now. okay, so finding out local times. to gmt kya, it is greenwich mean time, theek hai. so we know the greenwich mean time, we can find the local time of an area by adding or subtracting the difference in the time from the gmt. अगर हमें पता है कि उनकी जो ग्रीनविच टाइम जो उसका टाइम है लोकल टाइम उस एरिया का क्या है, ठीक है, तो हम उसमें टाइम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम जो है टाइम डिफरेंस पता कर सकते हैं. बट हमें उस जगह का जीएमटी पता होना चाहिए, ठीक है. सो नाउ उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, उन्होंने बोला है नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल कि देखिए अगर नून है लंदन में, अगर आफ्टरनून चल रहा है लंदन में, अलाहाबाद जो है लोकेट करता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, तो वो कितने टाइम आगे है. सो इट विल बी अहेड बाय 5.5 hours, ठीक है. उन्होंने कहा वो कितना टाइम आगे, इट विल बी अहेड बाय 5.5 hours. सो इन इंडिया इट विल बी अराउंड 5:30 PM. तो अब वहां पे नून है, ठीक है, सपोज वहां पे 12 बज रहे हैं, 5.5 hours है, मतलब लंदन में क्या लंदन में कितना टाइम है, लंदन में नून है, मतलब हम फॉर एग्जांपल 12 बजे का टाइम लेके चलते हैं, 12 बज रहे हैं लंदन में, ठीक है. और यहाँ जो अलाहाबाद है, इंडिया है अलाहाबाद में, वो 5.5 hours आगे है लंदन से. तो अब यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 5:30 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है, क्योंकि वहां पे दोपहर है और यहाँ पे क्या होगा शाम है, 5:30 बज रहे होंगे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है. सेम वे द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क हु आर लोकेटेड 74 डिग्री वेस्ट,
ठीक है, लॉन्गिट्यूड विल बी बिहाइंड इन लंडन टाइम बाय 4 आवर्स. ठीक है, तो अब 4 आवर्स 56 मिनट्स. तो उन्होंने बोला है कि लंडन, जो लंडन के लोग हैं वो पीपल ऑफ न्यूयॉर्क हु आर लोकेटेड इन 71 विल बी बिहाइंड द लंडन, बिकॉज लंडन से पीछे होंगे. तो मतलब अगर लंडन में 12 बज रहे हैं तो 4 आवर्स पीछे चले जाओ. 12, 11, 10, 9. ठीक है, तो वहां पे अराउंड 56 मिनट, तो मतलब वहां पे 8:56 टाइम हो रहा होगा. ठीक है, या फिर मैं दिस मीन्स दैट इट विल बी अराउंड 7 AM. यहाँ पे आप वहां पे 8:56 हो रहा होगा या फिर 7:56 हो रहा होगा. देयर विल बी अराउंड देयर द टाइम विल बी 7 और 8, उनकी इस टाइम के बीच में होगा. ठीक है, अगर वो उनसे पीछे है तो हमें क्या उतना टाइम माइनस करना है. ठीक है, हमें अब पता है कि जो लंदन का टाइम है 12 बजे, तो 12 में से आप माइनस कर दो. ठीक है, 12 टाइम में 12 जो इतने बजे, उसमें से आप माइनस करो 4 घंटे 56 मिनट, 4 hours 56 मिनट, फिर माइनस इट, सो वी विल गेट द टाइम. सो वी नो द GMT ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, सो नाउ वी कैन गेट इट. ठीक है, सो दिस मे सीम स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू. दिस इज ओइंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच कॉज डिफरेंट लोकेशन टू एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम्स इन अ डे. क्योंकि जो आपकी रोटेशन है हमारे अर्थ की, वो ही हमारा जो टाइम है डिसाइड करती है कौन सा टाइम कहाँ पे आके रुकेगा और कहाँ पे कौन सा टाइम हमारे को उस टाइम देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूव करती है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सो दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर सन. सो ईस्ट पोर्शन की तरफ को सनराइज पहले होगा, फिर जो अब ईस्ट पोर्शन की तरफ से जो सन ऐसे घूम के जाएगा, देन वेस्ट में सनराइज होगा. सो It all depends on the rotation of the earth. Okay, so I will stop here. You guys will read till here because there's a lot of technical things you need to remember. Okay, and everybody should know about the earth, how earth moves, how what are the things. आपके घर पे सुबह होती है तो you need to know कि सुबह कैसे हो गई हमारे यहाँ पे. रात होगी तो कैसे होगी, दोपहर होगी तो कैसे होगी. सन जब उठे थे सुबह तो सामने था, अब ऐसे ऊपर को चढ़ गया है. So everything you need to know, start asking questions by yourself, to yourself. Ki why? Because this is geography and this is all related to you only. Okay, your surrounding. Okay? So I will stop here. Tomorrow we'll move with the standard time and time zone. Okay? Thank you so much.